नागिन 4 के VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स कैसे होंगे और नागिन 4 में कितने करोड़ों रुपए का खर्च किया जाएगा और नागिन 4 के प्रोड्यूसर यानी एकता कपूर मैम ने नागिन 4 के बारे में कौन से बड़े राज का खुलासा किया है और नागिन 4 में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा और नागिन 4 कब आएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दें। आपने जैसे कि नागिन 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि नागिन 1 पूरा कार्टून जैसा ही था लेकिन स्टोरी काफी दमदार थी। लेकिन नागिन के दूसरे भाग में वही कार्टून इफेक्ट को कम करने के लिए और सुधार लाने के लिए विजुअल इफेक्ट्स में काफी सारे सुधार किए और नागिन 3 में एकता कपूर मैम ने नागिन 3 को टॉप पर लाने के लिए बजट और पैसों की कोई कमी नहीं रखी और इसीलिए नागिन 3 का विजुअल इफेक्ट्स यानी हिंदी में बोले तो दृश्यात्मक प्रभाव काफी ज्यादा दमदार था। और अब ये सारी सीरीजों का सबसे बड़ा बाप यानी नागिन 4 आने वाला है और नागिन सीरीज की प्रोड्यूसर यानी एकता कपूर मैम ने नागिन 4 के बारे में सबसे बड़े राज का खुलासा करते हुए कहा है कि नागिन 4 को जल्द ही आपके सामने लाया जाएगा और नागिन 4 के विजुअल इफेक्ट्स में कोई कमी नहीं रहेगी और नागिन 4 की टीम नागिन 4 को हॉलीवुड जैसा ही बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसी वजह से नागिन 4 के फैंस को भी नागिन 4 देखने में मजा आएगा। और चौंका देने वाली और खुशी की बात तो ये होगी कि नागिन 3 में आपको 103 एपिसोड देखने को मिले थे, वहीं नागिन 4 में आपको 214 एपिसोड देखने को मिलेंगे और यह 214 एपिसोड पूरे 2 साल तक चलेगा। और रहा सबसे बड़ा सवाल यानी नागिन 4 कब आएगा, तो आपको बता दे कि कवच 2 खत्म होते ही 2020 के स्टार्टिंग में ही आपको नागिन 4 का फर्स्ट एपिसोड देखने को मिलेगा। और आप यह आने वाले नागिन 4 को देखेंगे या नहीं और आप यह नागिन 4 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो, यह हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।